हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीम 15। एंड गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये हमारी मॉडर्न इंडिया की जो NCERT है थीम 3, ना कि उसका लास्ट चैप्टर है, पर ये हमारी सारी थीम्स जो अभी शुरू से लेके अभी तक पढ़ी हैं, 1, 2, 3, सबका लास्ट चैप्टर है। तो थीम नंबर 15, हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करा था। आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी। मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थीम 1 में हमने एंशियंट इंडिया कवर करी थी, थीम 2 में मेडिवल, थीम 3 में मॉडर्न इंडिया। वैसे ये जो पार्ट है दोस्तों फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोस्ट इंडिया में आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आता है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक जनरली कहते हैं, बट एनीवेज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो थीम नंबर 15 है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। राइट, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना, कैसे बना, जरूरत भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। और आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में ये चीजें पढ़ी हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी देखा ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, तो वो थोड़ा सा रिपीट भी आपको दिख सकता है अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अच्छे से टॉपिक्स पढ़े हैं। चलिए दोस्तों बिगिन करते हैं चैप्टर। अगेन कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। लिख लो नोट्स में, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट अभी तक पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 कंट्रीज आते हैं, सब कंट्रीज में लॉन्गेस्ट ये है। 26 जनवरी 1950, ठीक है, इसी दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। राइट, पहला। अब ये बताओ दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि 26 जनवरी डेट क्यों चूज करी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पहले बन चुका था नवंबर 1949 में, लेकिन हमने ये 26 जनवरी डेट क्यों चूज करी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पता चल जाएगा कि हम रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस करा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने मेरे मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स देखे, नहीं देखे तो लेक्चर्स देखिए। बट इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर परहैप्स अंडरस्टैंडेबल व्हेन वन कंसीडर्स द कंट्री साइज एंड डाइवर्सिटी। तो बारीक से बारीक चीज इस कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों प्रेजेंट है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के स्टेट्स का बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, वहाँ की स्टेट्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इंडिया में बस हमारे, आप कह सकते हो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का नहीं है। स्टेट्स कहने का क्या मतलब है, तमिलनाडु का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कर्नाटक का, दिल्ली का, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर कोई बोले कि कोई मुझे डाउट हो रहा है भारत कैसे चलना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, देखो, समझो, वहां के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, और सारी स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट, बाकी कोर्ट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, सबको फॉलो करना है, आम नागरिक को भी फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। ठीक है, एट इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नॉट मेरली लार्ज एंड डाइवर्स बट आल्सो डीपली डिवाइडेड। तो ये सारी बातों का कंसिडर किया गया है दोस्तों, जो सिचुएशन थी उस टाइम, कंट्री की डाइवर्सिटी, साइज, छोटे से छोटे लोग, है ना, छोटे से छोटे लोग मतलब उनकी माइनॉरिटीज। राइट, आप शेड्यूल ट्राइब हो गए, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू कीप द कंट्री टुगेदर। देख रहे हो एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर ही रहेगा। यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे आप, वहां दिखा है कि कोई भी स्टेट के हाथ में नहीं है कि वो इंडिया छोड़ के चला जाए। ठीक है, आज कोई स्टेट अगर बोले कि हमें इंडिया छोड़ के जाना है, तो मतलब नहीं जा सकते आप, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी मिलिट्री भेज देगी। राइट, पूरा प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। सब प्रोविजन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों। आप बोलोगे ये सर कैसी बात कर रहे हो यार, ये कोई स्टेट क्यों छोड़ के जाएगा। ठीक है, आज हम 2021 या 22 में ही आने वाले हैं, बैठे हैं। जस्ट इमेजिन 1950 की बात, तब तो हर कोई छोड़ने को तैयार था भारत। ठीक है, हम सिचुएशन देखेंगे, इवन साउथ इंडिया में भी प्रॉब्लम थी, नॉर्थ ईस्ट में भी, प्रिंसली स्टेट्स, जम्मू कश्मीर की टेंशन। ठीक है, तो कोई स्टेट छोड़ के नहीं जा सकती। जम्मू कश्मीर बोले मेरे को छोड़ के जाना है इंडिया, फिजिबल ही नहीं, फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, राइट। अब आप बोलोगे फिजिबल नहीं है, ऐसा है क्या दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में फिजिबल? हाँ जी, बाकी काफी कंट्रीज हैं, वहां पे स्टेट्स ऐड और रिमूव हो सकती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वहां पे कोई स्टेट अगर डिसाइड कर ले, काफी कुछ चीजें कर ले, तो मे बी कुछ पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ऐसी काफी कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों जहाँ पे अगर स्टेट डिसाइड कर ले, सेंटर डिसाइड कर ले, तो स्टेट्स छोड़ के जा सकती है कंट्री को। इंडिया में फिजिबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल बोला जाता है वर्ड। एंड टू टेक इट फॉरवर्ड हैड नेसेसरीली टू बी एन एलेबरेट
केयरफुली वर्कड आउट एंड पेनस्टेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। तो देखो इतना बढ़िया बनाया है कि तब बनाया और आज भी चल रहा है, ठीक है। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, लिविंग मतलब चेंज होता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा दिया गया 10%, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, राइट। कोई भी चीज, जीएसटी आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो जीएसटी आया, 10% कोटा दिया, एससी एसटी रिजर्वेशन बढ़ाया, चीजें चेंज होती जा रही हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस चेंज नहीं हो रहा। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया गया था कि हाँ जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो सकता है, आर्टिकल 368, ठीक है। फॉर वन थिंग इट सॉट टू हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, सब है ये चीजें, इट हील इट इट सॉट टू हील वाउंड्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, सब चीजें, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, सबकी प्रोटेक्शन, रिलीजियस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन, टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस कास्ट कम्युनिटीज कम टूगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिजर्वेशन दिया गया एस सी एस टी को, राइट। पुरानी चीजें, एंशंट का भी ध्यान रखा कि किसी के साथ बुरा हुआ है उसको सही करेंगे हम और आगे भी बुरा नहीं होने देंगे, सबका ध्यान। फॉर अनदर इट सॉट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन व्हाट हैड बीन लॉन्ग अ कल्चर ऑफ हायरार्की एंड डिफरेंस। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों, यूपीएससी इंस्टीट्यूशन बॉडी सेपरेट बनी हुई है, राइट। आपके कोर्ट्स हैं बिल्कुल सेपरेट हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, सरकारों को मानने पड़ते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी दोस्तों, हमने देखा था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी दोस्तों, वो इलेक्शंस हुए थे 1946, राइट, याद हो गए, जिसमें मुस्लिम लीग काफी अच्छे तरीके से जीते था। तो शुरू में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे, राइट। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स तो चले गए जब पाकिस्तान बन गया, तो इसलिए लिखा हुआ दिसंबर 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हो गया था, राइट। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स ड्राफ्ट वर डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पॉइंट डिस्कस किया गया, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया गया, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बहुत अच्छे डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए। तो ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा है आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ डिबेट आप सबको। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा है 1949 में, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ डिबेट। अगर आप सब लोगों को इनके नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कौन कौन लगता है, कौन कौन लोग रहे हैं, ठीक है। इन ऑल द असेंबली हैड 11 सेशंस, नोट्स में लिख लो 11 सेशंस थे, सेशन जैसे मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, ऐसे सेशन बैठे वो, ठीक है, विद सिटिंग्स स्प्रेड ओवर 165 डेज। तो 165 डेज बैठे, मतलब बैठे मतलब पार्लियामेंट में बैठे, ठीक है। 165 डेज बहुत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बाकी टाइम में वो फ्री मस्ती करते रहे। इन बिटवीन द सेशंस द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वाज कैरीड आउट बाय वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज। तो कमिटी सब कमिटी बनती थी पार्लियामेंट्री कमिटीज कि डिस्कस करिए क्या ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे डालने चाहिए या नहीं चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें डिस्कस हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बनाया गया, फ्रॉम योर पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स यू नो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंड यू हैव सीन हाउ इट हैज वर्क्ड ओवर द डिकेड्स सिंस इंडिपेंडेंस। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में जब कवर करूंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस यू टू द हिस्ट्री दैट लाइज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंटेंस डिबेट्स दैट वर पार्ट ऑफ इट्स मेकिंग। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, अगर आपका कंसर्न हो कि इस चैप्टर में होना क्या है, तो आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे, विल इंट्रोड्यूस यू टू द हिस्ट्री दैट लाइज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। एंड द इंटेंस डिबेट्स एक एक पॉइंट के जो हुए वो देखो, डिटेल में तो नहीं जाएंगे सारे पॉइंट तो नहीं, लेकिन जितना मेन मेन पॉसिबल है वो हम यहाँ पे दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। If we try and hear the voices within the constituent assembly, we get an idea of the process through which the constitution was framed and the vision of the new nation formulated. तो जैसे ही भी कोई डिसीजन आता है, कोई आदमी बोलता है ये फंडामेंटल राइट जो है सही नहीं, होने ही नहीं चाहिए थे, तो हम थोड़े से अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पढ़े तो हमें रीजन समझ में आते हैं ये चीजें क्यों डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। काफी बार हमारे कोर्ट्स भी लेते हैं व्यू कि अच्छा जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट्स हुए थे, उसके बेसिस पे ये रीजनिंग आती है, जस्टिफिकेशन आते हैं, फिर वो एग्री करते हैं। तो उन डिबेट्स की काफी इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट्री कमिटीज आज भी देखती है, पार्लियामेंट में भी वो पॉइंट्स लिए जाते हैं, कोर्ट्स भी लेते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिस्कशन हुआ था, ये रीजनिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स व्हाई वी टुक दिस डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लिया गया तो सोच समझ के लिया गया है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में शुरू हो जाएंगे अपने चैप्टर्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं मेक श्योर करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। थैंक यू एंड टेक केयर।